छात्रों, अब चलिए चलते हैं हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में हम लोग जहां तक के पढ़े थे उसके आगे पढ़ना। पिछले वीडियोज में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर मान लिया कि कोई आवेश है क्यू, अगर उसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में दौड़ाएंगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा, और यदि हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ाते हैं तो कहां, तो क्या एफएम का वैल्यू होता है, तो कितना चुंबकीय बल लगेगा। तो चलिए हम लोग कुछ नोट में करके आगे लिखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, तो नोट, NOTE, नोट में लिखेंगे उसके नीचे। यानी कि हम लोग वहां पे ये भी पढ़े थे कि एफएम यानी कि चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम था, स्क्रू का नियम और दक्षिण हस्त नियम। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में एफ ई बराबर क्या होता है, तो क्यू इंटू ई। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई आवेश है, अगर उस आवेश को केवल विद्युतीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो हमें जो विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल मिलेगा वो क्यू इंटू ई मिलेगा। परंतु अगर ये विद्युतीय क्षेत्र के जगह पे चुंबकीय क्षेत्र होता तब हम लोग को एफएम लिखते, यानी कि चुंबकीय बल का वैल्यू क्या होता है, तो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है। लेकिन अब हम लोग का ऐसा कोई केस आएगा कि अगर मान लिया कि क्यू आवेश है, उस आवेश को अब हम लोग दौड़ाने वाले हैं विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र बी में। यानी कि इस बार जो हम लोग का सवाल ये है कि सर अगर वही क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न रहेगा, अगर दोनों ही क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे और उसमें क्यू आवेश को गतिशील किया जाए तो हमारे पास कुल कितना बल होगा। तो अब यहां पे लिखेंगे उसके नीचे नोट में, ये भी चल रहा है, यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद हो और उसमें आवेश Q को गतिशील किया जाए तो हमें कुल बल एक वेक्टर प्राप्त होता है। चलिए ये लिख तो लिए, अब इसका क्या डेरिवेशन है वो देखते हैं। प्यारे छात्रों, जो हम लोग अभी क्यू आवेश को दौड़ा रहे थे अलग अलग केस में, सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र में, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन अभी नोट में हम लोग एक बात नोट करने वाले हैं कि अगर उसी क्यू आवेश को उस जगह पे दौड़ाया जाए जहां पे दो चीज है, विद्युतीय क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो हम लोग को कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, हम लोग काम को कैसे करेंगे वो चीज। तो अगर मान लिया कि अलग अलग था तो ठीक है, लेकिन अब अगर दोनों ही क्षेत्र है तो हम लोग कुल बल को एफ लिखेंगे, और कुल बल में कौन कौन सा बल, तो एक एफ ई और एक एफ एम, दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। यानी कि एफ ई बराबर उसके नीचे लिखेगा अर्थात करके जो भी बात लिखे हैं उसी के नीचे नोट करना है, एफ इज इक्वल टू एफ ई का वेक्टर प्लस एफ एम का वेक्टर,
एफई का वेक्टर प्लस एफएम का वेक्टर। अच्छा, एफई के जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, एफई के जगह पे क्यू इंटू ई वेक्टर, और एफएम का फॉर्मूला क्या आया है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब प्यारे छात्रों, यहां पे हम लोग, यहां पे भी छोटा क्यू है, यहां पे भी छोटा क्यू है, तो क्यों ना हम लोग इस क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, क्यू को कॉमन लेने की वजह से अब जो बनेगा ई प्लस भी क्रॉस बी, ये बन गया एफ का वैल्यू। यानी कि ये वाला कब इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला कब बताना है, ये फॉर्मूला कब बताना है, ये फॉर्मूला कब बताना है। अगर तीनों एक ही केस है, मतलब तीनों में एक ही बात है, केस तो अलग अलग हुआ ना, एक बात ये है कि यहां पे भी क्यू आवेश को गतिशील किया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, यहां पे भी क्यू आवेश को गतिशील किया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, यहां पे भी क्यू आवेश को दौड़ाया जा रहा है, परंतु यहां पे केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र है, यहां पे केवल और केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां पे एक ऐसा केस जहां पे दोनों ही है। तो आपको याद रहना चाहिए बेसिकली फार्मूला तीनों अलग अलग केस में, कि अगर किसी केस में हमें लगाना पड़ेगा कि जहां पे विद्युतीय क्षेत्र है, हालांकि इस पे कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, ये प्रूफ करने के लिए आता है, आपको डायरेक्टली फार्मूला पूछा जा सकता है कि अगर क्यू आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में दौड़ाया जाए तो उसमें बल कितना होगा, तो क्यू इंटू ई वेक्टर, और नहीं तो अगर न्यूमेरिकल में आएगा भी तो क्यू आवेश है विद्युतीय क्षेत्र वोल्ट पर मीटर में देगा, तो एक ई निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू दिएगा, वेग दिया रहेगा, मतलब कोई भी तीन चीज दिया रहेगा, तो आप न्यूमेरिकली आराम से बना सकते हैं। तो टोटल मिलाकर ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप चीजों को समझिए कि कैसे कैसे फार्मूला को डिराइव किया जा रहा है, कैसे कैसे क्या बताया जा रहा है। चलिए उसके आगे हम लोग समझते हैं। अच्छा हाँ, एक और आपको याद रहना चाहिए कि जहां पे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद रहेगा तो फार्मूला क्या है, एफ बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, और इसी को दोस्तों बोलते हैं लॉरेंट संबंध, लॉरेंट संबंध। यानी कि लॉरेंट संबंध क्या होता है, तो लॉरेंट संबंध वो बताता है कि जहां पर विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों है और क्यू आवेश को दौड़ाया जा रहा है, तो जो फार्मूला आता है उसको लॉरेंट संबंध बोलते हैं। एक्चुअली इसको लॉरेंट फार्मूला भी बोला जाता है, तो आप लॉरेंट संबंध आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है लॉरेंट संबंध, और इसी को जब टोटल बल आया इसको लॉरेंट बल भी बोला जाता है, लॉरेंट बल या फिर कुल बल, कुल बल भी बोल सकते हैं। तो इस एफ को हम लोग लॉरेंट बल भी बोल सकते हैं या कुल बल भी बोला जा सकता है। चलिए उसके आगे हम लोग सीखते हैं कि क्या है। अब लिखेंगे टॉपिक, टॉपिक लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए एसआई मात्रक, टॉपिक है ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए एसआई मात्रक, ये टॉपिक है, और एक बहुत बढ़िया टॉपिक है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक अलग अलग तरीके का होता है, और आपको याद करना और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सवाल पूछ चुका है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, और इसका भी दो तीन एसआई मात्रक होता है, किस किस केस में क्या क्या यूज करना है और कैसे याद रखना है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी हम लोग ड्राइव करते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को लेकर एफएम का फार्मूला क्या है, जो चूंकि एफएम इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्यू वी क्रॉस बी, ये पढ़े इसी को हम लोग याद करके ये लिख सकते हैं कि एफएम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू भी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर में ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है ए बी साइन थीटा,
जब भी क्रॉस रहता है उसका रिजल्ट लिखते हैं साइन थीटा, तो यहां भी क्रॉस भी है तो यहां लिख दिए भी बी साइन थीटा, भी बी साइन थीटा। अब यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऐसा मात्रक निकालना है तो हम क्यों ना इसको बी को एक तरफ रखें और बाकी सबको नीचे ले जाएं, तो एफ एम बट्टा क्यू को नीचे ले आएंगे, भी को नीचे ले आएंगे और साइन थीटा तो द कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, इज इक्वल टू बी। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऐसा मात्रक निकालना है, तो इस एक तरफ रख दिए बी और बाकी को उसके नीचे डाल दिए। अब हम लोग यहां पे चूंकि बी इज इक्वल टू यानी कि बी का ऐसा मात्रक, बी का मतलब क्या, बी का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा जैसे विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं वैसे ही बी से सूचित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो बी का अगर ऐसा ही मात्रक अगर बात करें तो क्या मिलने वाला है वो समझिए, ऊपर एफ है, ऊपर क्या है एफ है, एफ का मतलब बल और बल कैसे मात्रक न्यूटन डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू का मतलब क्या आवेश और आवेश कैसे मात्रक कूलम, आवेश कैसे मात्रक कूलम। भी क्या है वेलोसिटी वेग, विभव नहीं वेग, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, न्यूटन बटा सी बटा एस इंटू एम, यानी कि बटा इसके ना नीचे करके इसके कर दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि चूंकि हम लोग पढ़े थे फार्मूला कि आई बराबर होता है क्यू बटा टी, यानी कि विद्युत धारा का डेफिनेशन पढ़े थे, एकांक समय में गतिशील आवेश, एकांक समय में जितना आवेश दौड़ पाएगा गतिशील आवेश को ही ना कहते हैं विद्युत धारा, तो आई बराबर क्यू बाई टी फार्मूला होता है और आई का मतलब विद्युत धारा और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर और क्यू मतलब आवेश और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम बटा टाइम, टाइम का मतलब समय, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। तो इसी के वजह से C बाई एस हम लोग किए, क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग एम्पियर पुट कर सके। C बाई एस क्यों किए, ये S इसके नीचे क्यों किए, क्योंकि यहां पे पूरा के तरीके A पुट किया जाए, तो इसलिए अब आगे बढ़ेंगे तो होगा N बटा A M। तो टोटल मिलाकर ये प्रूफ होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक है वो क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर विद्युत धारा कैसे है मात्रक पर मीटर, ये हम बनाने के लिए कैसे हो रहा है वो फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो आप इन सारी चीजों को नोट करेंगे। चलिए उसके आगे, ये तो फर्स्ट एरो था, सेकेंड एरो लेंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला, टेस्ला का मतलब कैपिटल टी से सूचित करता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, उसके नीचे लिखेंगे थर्ड एरो, थर्ड एरो में लिखेंगे, थर्ड एरो एक टेस्ला इज इक्वल टू एक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, एक टेस्ला इज इक्वल टू एक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना विद्युत शक्ति कैसे मात्रक वाट, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल, तो ये किसी ना किसी डिराइव्ड आविष्कारक यानी बोल सकते हैं जो सर्चर होते हैं वो अपने नाम पे कुछ इससे यूनिट रख लेते हैं। तो टेस्ला कहां से आया इसका कोई जिक्र नहीं है, ये नाम पे रखा गया होगा चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला जिसको टी से सूचित करते हैं। जैसे मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र 20 टेस्ला है तो 20 टी लिखेंगे,
टेस्ला। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला भी होता है और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी होता है, जो भी हम लोग प्रूफ किए। तो टोटल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र का अभी तक के दो एसआई मात्रक मिल गया है, टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। थर्ड एरो में लिखिएगा जरूर इसको कि एक टेस्ला बराबर एक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, मतलब इसका भी एक वैल्यू, इसका भी वैल्यू एक होता है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक गाउस भी होता है, गाउस, गाउस भी होता है, गाउस को ब्रैकेट में जी, कैपिटल जी, गाउस भी होता है, गाउस भी होता है, गाउस भी होता है। उसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे वन गाउस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला, एक गाउस बराबर 10^-4 टेस्ला, या एक टेस्ला इज इक्वल टू, अगर टेस्ला को गाउस में बदलना रहेगा तो 10^4 गाउस करेंगे। तो टोटल मिलाकर हम लोग को यह पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र का तीन मात्रक, पहला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर और दूसरा टेस्ला और तीसरा गाउस। तो चुंबकीय क्षेत्र का तीन ऐसे मात्रक होता है, लेकिन हम लोग अब यूज कौन सा करेंगे तो टेस्ला का यूज किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला। हालांकि अगर कहीं कहीं अगर गाउस में भी दिया रहेगा उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना से गुना करके, 10^-4 से गुना करके। अगर मान लिया कि रहेगा चुंबकीय क्षेत्र 10 गाउस है, 10 गाउस, तो उसको टेस्ला में चेंज करके ही हम लोग पुट करेंगे 10^-10^-4, और यानी कि एक गाउस का जो वैल्यू होता है 10^-4 इंटू टेस्ला के बराबर होता है। तो ये भी हम लोग पढ़ रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या एसआई मात्रक होता है, उसके लिए क्या क्या एसआई मात्रक होता है वो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। चलिए फिर इसके बाद जो है अब हम लोग कुछ रेंज पढ़ेंगे कि किसके किसके लिए कितना रेंज होता है। चलिए तो अब उसके आगे का टॉपिक लेंगे, कुछ भौतिक परिस्थितियां, कुछ भौतिक परिस्थितियां का चुंबकीय क्षेत्र चलिए तो यहां पे हम लोग कुछ एक तरफ लिखेंगे, उसके नीचे भौतिक परिस्थितियां और एक तरफ लिखेंगे बी का मान। यानी कि हम लोग यहां पे कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल में, हालांकि इसे कुछ सवाल याद नहीं करना है, इसको पूछता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि कौन कौन सा केस का लगभग कितना टेस्ला उसका वैल्यू होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे न्यूट्रॉन का तार, न्यूट्रॉन जो होता है ना छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का तार का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग 10^8 टेस्ला होता है, 10^8 टेस्ला। फिर दूसरा है छोटे छड़ चुंबक, छोटा सा जो छड़ चुंबक लगा रहता है अधिकतर यंत्रों में जो लगा रहता है, मशीनों में जो लगा रहता है, छोटा छड़ चुंबक में कितना टेस्ला होता है, तो 10^-2 टेस्ला। फिर पृथ्वी के पृष्ठ पर, यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर सतह पर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन वो कितना होता है याद कर लीजिएगा 10^-5 टेस्ला।
यानी कि जहां पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है और कितना रहता है 10^-5 यानी कि बहुत ही कम है। 10^-5 का मतलब समझ रहे 0.00001 यानी 5 गो 0 होगा ना 10^-5 टेस्ला। तो ये बहुत कम टेस्ला का विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन रहता है। आपको आना पता होना चाहिए कि पृथ्वी के पृष्ठ पर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है 10^-5 टेस्ला का। फिर मानव का तंत्रिका तंत्र इसमें कितना होता है तो 10^-10 टेस्ला। 10^-10 टेस्ला। जी हाँ, हम लोग ह्यूमन में एक नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है पीछे। तो ये तंत्रिका तंत्र का जो नर्व सिस्टम, नर्व फायर का, नर्व सिस्टम का, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो शरीर में कहीं से भी अगर आप चुटी काटते हैं तो हमारे माइंड पढ़ लेता है कहां पे कोई चुटी काट रहा है, कहां पे कोई टच किया है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा तेजी से आवेग हमारे शरीर में चलते रहता है कि अगर कहीं से भी अगर करंट एविडेंस होते हैं कहीं भी तो हमें पता चल जाता है। इसका मतलब ये हुआ हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होते हैं। कहां मौजूद होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र में। कितना टेस्ला का? तो 10^-10 का होते हैं। और फिर एक अंतरातारकीय आकाश, इंटरस्टेलर स्पेस, एक और लिख लीजिए बस, अंतरातारकीय आकाश 10^-12 टेस्ला। अंतरातारकीय आकाश का मतलब है, अंतरा का मतलब होता है अंदर और आकाश का मतलब आसमान। अगर जिस आसमान के अंतर्गत हम लोग रहते हैं उस वायुमंडल में भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब आपको ये आश्चर्य करने वाला बात मिलेगा कि वायुमंडल में क्या है, तो हम लोग बहुत सारा का है। तो अंतरातारकीय आकाश का मतलब होता है आकाश के अंदर, जैसे आसमान है, आसमान के अंदर अगर कैलकुलेट किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है तो बहुत ही कम, पृथ्वी से भी बहुत कम। पृथ्वी पर तो 10^-5 है, उसके नीचे अगर कैलकुलेट किया गया तो 10^-12 टेस्ला है। तो ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भौतिक परिस्थितियां थी जिनकी लगभग एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लगभग एटलीस्ट में है। किसका वैल्यू? तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कि किस केस में कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आपको इसमें छोटा छड़ चुंबक का ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि हमारे मानव में भी होता है, पृथ्वी पर भी होता है, कितना कितना होता है इसका याद रखिएगा। पृथ्वी पर का -5 और इसका डबल -10 मानव का तंत्रिका तंत्र का होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था, इसको याद नहीं करना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस हम एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए। तो आज तक की इतना ही किया जाए, अब अगले वीडियोज में, अगले की क्लास में हम लोग यहां से आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।